ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಕ್ತು. कहा से आया, कहा चला गया, ये मालूम नहीं पड़ता था. यहाँ पे लिस्ट जो बनाने का सीखा है उन्नति में आके, तो वो लिस्ट का बहुत अच्छा. तो एक ऐसा मिलेगा जो हमको इस प्लेस मतलब ताकत बढ़ाएगा कि हम फिर आगे जाके कोई तो आइडिया आपको मिलेगी और बिजनेस कर सके. इसीलिए मैं ये ट्रेनिंग लेने आई और यहाँ आके और भी मुझे ऐसा लगा कि मैं जो बिजनेस दोनों कर रही थी उसमें भी थोड़ी सी कमियां है जो और मैं थोड़ा सा ज्यादा करना चाहती हूँ. उसके लिए मेरे को और मैं जहाँ वो महंगा रहती है उनको मैं सिखाती हूँ ब्लाउज ड्रेस. और मुझे भी कॉन्फिडेंस है कि मैं आगे जाकर मैं मतलब लिखे बिल सबका बनता है पर उसका मैनेजमेंट नहीं करते हम ठीक से. मतलब कितना खर्च करना है, कितना साइड में रखना है, जो होता है सब पर्सनल और बिजनेस का सब मिक्स हो जाता है. तो उसका भी सब हम जाकर रखने का स्टार्ट. ये निमाज स्वतः शिव ले ले ये पण मी स्वतः बनवलेले आणि पंजाबी ड्रेस पण शिवते. कस्टमरशी कसं बोलायचं, कसं व्यवहार करायचं किंवा आपल्या रोजचं काय असेल डायरी मेंटेन करणं, ह्या सगळ्या गोष्टींचा एक्स्ट्रा नॉलेज मला मिळालं. आणि त्यामुळे मी येत्या 2-3 वर्षांमध्ये माझं स्वप्न आहे की हे जे माझं छोटंसं अँजेलिना नावाचं शॉप आहे, बॅग शॉप, तर आता पूर्ण सातारा सिटीमध्ये त्याचं नाव होत चाललंय. पण मला पूर्ण जिल्ह्यामध्ये माझं असं शॉप बनवायचंय की ये हमारे घर में है, ये चलाती हूँ. और ये गेहूं की है और ये हमारी पुरानी उसमें हम सिर्फ ज्वारी ज्वारी आपको पता है ना. आता माझा छोटा सा दुकान है, रेंट वर घेतलेलं आहे मी. एक मशीन आहे तर हे मशीन है आणि हे ब्लाउज. और यहाँ पर आने के बाद मुझे कंप्यूटर का नॉलेज आ गया और जीमेल लॉगिन का भी मैंने एक्सपीरियंस ली. इसलिए मैं उन्नति का और बी वैलेंटर का और ज्योति का अनीता मैम ली. यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मैं टाइम की वजह से मैं टीचर रह रही हूँ. अभी मैं टाइम पर पूरा काम करूंगी. बिजनेस प्लान मुझे पता नहीं थे कैसे करनी है, डायरी को भी लिखती नहीं थी. अभी मैं डायरी भी लिखना शुरू. यहाँ पे आने के बाद मैंने ये सीखा है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे प्लान वर्कआउट करना है, अपना जो भी बजट रहता है कैसे यूटिलाइज करना है, ये मैंने यहाँ पे आके सीखा. और दूसरी बात मोस्ट उन्नति सेंटर करना असं पण समजलं की आपला स्वतःचा जो बिझनेस आहे आपण जो करतो त्याच्यावर आपला पूर्ण लोकांना विश्वास पाहिजे. आपण तो करणार आहे का, आपल्याला करणार म्हणजे आपल्याला जॉब ही माझी फॅशन आहे म्हणून मी ते केलं होतं. पण आता गीता आले होते आणि मी केलं सगळं एवढं करत राहिले पण मी माझ्यासाठी म्हणजे मी एवढं काम करते, एवढं कष्ट करते, सकाळी घर बघायचं, दुकानात यायचं, परत घरी जायचं, परत घरचा सुद्धा आहे. क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल आय डोंट थिंक सो द टाइम इज सफिशियंट फॉर दॅट. बट देन वी द वन टू अँड उन्नती बोथ आय एम फ्रॉम उन्नती अँड आय कम फ्रॉम उदन टू आय थँक बोथ ऑफ देम एज वेल एज ऑल द टीचर्स हू हॅव डन. अँड वन मोर मेन थिंग नाव सिटिंग इन दिस प्रोग्राम आय शुड थँक यू सर बिकॉज अ लॉट ऑफ टिप्स यू गेव टू मेनी ऑफ आर लेडीज हियर अँड दोज आय थिंक so many points it goes even to us. We can take it and we can implement it.